अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको जो है वो बेसिक क्विलिंग शेप से जो है वो टैग्स बनाना सिखाऊंगी कि आप उनको टैग्स पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह गिफ्ट्स के ऊपर हैंडमेड टैग्स लगा के लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक बेसिक शेप है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, लूज कॉयल से आप बनाएंगे बेसिक क्रीसेंट शेप। आप इसे क्रीसेंट शेप भी कह, फोल्डेड क्रीसेंट भी कह सकते हैं, और आप इसको हार्ट शेप भी कह सकते हैं। तो आप ये शेप बनाएंगे और मैं आपको ये शेप बनाना सिखाऊंगी। मैंने एक टैग ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसको किस तरह पेस्टिंग की है उसके ऊपर, वो भी मैं आपको बता दूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए और आप आराम से पेस्ट कर सकें। ये हम डबल शेड में बना रहे हैं, ये लाइट पर्पल है और हम डार्क पर्पल स्ट्रिप जो है वो एज आउटर लेयर भी इसके ऊपर लगाएंगे। ये फुल स्ट्रिप होती है, मैंने हाफ स्ट्रिप यूज़ की है, पर पेटल जो है वो हाफ स्ट्रिप यूज़ कर लें। अगर आप चाहें तो आप फुल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोगों को इसके ऊपर फुल स्ट्रिप ही यूज़ करनी है, आप हाफ यूज़ कर लें इसके ऊपर। और फिर उसके बाद, क्योंकि फुल से ये होता है कि वो थोड़ी सी आउटर लेयर थिक लगना शुरू हो जाती है, तो आई प्रेफर कि हाफ यूज़ की जाए। तो आप हाफ इसके ऊपर यूज़ कर लें, उसके बाद फिर जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसके ऊपर जो है इसको जो है क्विलिंग टूल लेकर, आप क्विलिंग टूल लेंगे और फिर आप क्विलिंग टूल लेकर जो है वो अपनी थंब और फर्स्ट फिंगर में इसे पकड़ेंगे टू शेप को, और फिर आप क्विलिंग टूल जो है वो अंदर को प्रेस करेंगे और फिर इसे फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसको पीछे से भी फोल्ड कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इट्स ओके, ये आपकी शेप जो है वो रेडी हो गई। अब मैं आपको टैग दिखाती हूँ जो मैंने बनाया हुआ है। ये टैग मैंने बनाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ये टैग है लेवेंडर फ्लावर्स का। आप जो है वो किसी, इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं, किसी तरह भी बना सकते हैं, इसी तरह भी इनको पेस्टिंग कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर जो स्ट्रिप्स हैं वो 3D फॉर्म में लगाई हैं, फ्लैट नहीं है, ये 3D फॉर्म में है। तो ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने किस ग्लू से लगानी है, आपने इन शेप्स को किस ग्लू से लगाना है, और ताकि ये जो है ये क्विकली स्टिक हो जाए और ऐसा ना हो कि ये बार बार अलग हो रही हूँ सॉरी। तो ये आपकी शेप्स हो गई, ये मैंने आपको बता दिया। ये शेप्स पेस्ट करना तो बहुत इजी है, आप आराम से पेस्ट कर सकते हैं इनको। मैं आपको स्ट्रिप पेस्ट करना सिखा देती हूँ। जो ग्रीन जो है मैंने स्ट्रिप यूज़ की है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके पास स्ट्रिप है, अगर आपको अलग अलग पेस्ट करनी है, मैंने इसमें अलग अलग पेस्ट नहीं की, मैंने इसमें जो है वो सारी एक साथ ही फोल्ड की है, फोल्ड करती गई हूँ और मैं उसको लगाती गई हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी लगाना और फिर मैंने इसके लिए UHU यूज़ की है, मैंने इसके लिए वाइट ग्लू यूज़ नहीं की। आप UHU यूज़ करें, आप डायरेक्टली लगाना चाहते हैं डायरेक्टली लगाएँ, आप स्ट्रिप पे लगाना चाहते हैं आप स्ट्रिप पे लगाएं, लेकिन डायरेक्टली इज़ मोर प्रेफरेबल, क्योंकि स्ट्रिप पे लगाने से वो फ़ौरन ड्राई हो जाती है और वो स्ट्रिप के नीचे ग्लू ही ऐड ऑन होती जाती है, लेकिन वो फिर स्टिक नहीं होती है, वो सूख जाती है फ़ौरन। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह मैंने इसके ऊपर ये लगाई थी। आप जो है वो डायरेक्ट स्ट्रिप को लगाएं, आप इसको रख दें इसके ऊपर एंड इट विल स्टिक। और फिर अगर आपने इसको कट करना है तो आप इसे कट भी कर सकते हैं, अगर आपने इसे फोल्ड करना है तो आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि फोल्ड करने की अभी आप नहीं कर सक रहे हैं, फोल्ड इतना प्रॉपर आपसे फोल्ड नहीं हो रहा, तो आप ना फोल्ड कीजिए, आप पहले से ही पीसेस कट करके रखिए और फिर उसके बाद आप उसको, जैसे देखिए मैं ग्लू, ये ग्लू है UHU, अब मैंने ये ज़रा सी इसके ऊपर यूं करके लगा दी
और मैंने इसको यहाँ से यूं करके फोल्ड और प्रेस कर दिया, और ये हमारा 3D जो है इसके ऊपर स्टिक हो गया। आप चाहें तो आप डबल भी कर सकते हैं लेयर। फिर ये फ्लावर है, इस फ्लावर का भी मैं आपको बता देती हूँ, या फ्लावर लिया आपने और इसी तरह आपने हर पेटल के ऊपर जो है वो UHU लगानी है और फिर उसको प्रेस करते जाना है। इस तरह आप ऐड करते जाएंगे फ्लावर्स। आगे आपको 3 फ्लावर्स का बनाना है, 4 का, या डबल ही इसी तरह मल्टीपल फ्लावर्स का बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये इसके ऊपर 3D में कैसे लगाई थी। क्विलिंग टैग आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आप चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पे कोई वर्ड लिख लें, आप चाहें तो इसके पीछे कोई वर्ड लिख लें, आप चाहें तो आप इसे एज अ हैंगिंग भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे एज अ मैगनेट भी यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेटिक शीट्स इतनी अच्छी मिल रही हैं तो आप वो पीछे ज़रा सा लगाएं या इसके पीछे नॉर्मल मैगनेट लगाएं। इसको आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसे लेमिनेट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली लेमिनेटर की मशीन के अंदर से गुजरना होता है। आप नॉर्मल प्लास्टिक लें और इसके ऊपर रैप करें और पीछे आप मैग्नेट लगा के इसे अपने फ्रिज पे भी लगा सकते हैं। तो ये एक हो गया। ये जो है बेसिक शेप जो है, जो टाइट कॉइल है उससे आप ये वाली शेप बनाएंगे। 3D शेप है ये। इसको बनाने के बाद मैं बताती हूँ, टाइट कॉइल आपने बनाना है अच्छी तरह, जो प्रॉपर टाइट, ज़रा सब लूज नहीं होना चाहिए, ये टाइट कॉइल होगा। ये आपने टाइट कॉइल बना लिया, अब आप इसको जो है वो स्टिक करके प्रॉपर और फिर आपने जो है इसको प्रेस करना है अच्छी तरह। ये इसकी एक पॉइंट सा बन जाएगा। उसके बाद आपने अपना टूल पकड़ना है और टूल को आपने पीछे से प्रेस करना है अंदर को। जब आप अंदर को प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर से देखें 3D फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह आपने मुख्तलिफ जो है वो, ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट बनाए हुए, आप ये देख सकते हैं इसको पीच को, ये सब जो है वो आप अंदर से प्रेस कर लेंगे। ये पीछे से ऐसे हैं, देखें पीछे से अंदर कुएं में। इसी तरह आप शेप्स बना लेंगे। मेरे पास ये सब डायमोंडीज नहीं है, वो होते तो बहुत ही खूबसूरत लगता, बट आपको बेसिक शेप्स आनी चाहिए। आपको बेसिक शेप्स आ गई, फिर आप चाहें तो आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं क्विलिंग से। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लोगों ने काम किया हुआ है, बहुत ही अच्छे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं। आपको जो है वो बस क्विलिंग करने के लिए ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होता कि आपके पास कोई बहुत XYZ एक्सपेंसिव आइटम्स हों या ऐसी कोई चीज़ें हों, नहीं। आपको जो है वो बस बेसिक शेप्स आनी चाहिए, आपके पास बेसिक स्ट्रिप्स होनी चाहिए। मेरे पास शुरू में कुछ भी नहीं था, मेरे पास कोई स्ट्रिप्स थी, मेरे पास कोई टूल्स नहीं थे। मैंने टूल भी खुद ही बनाया था, मैंने अपनी स्ट्रिप्स भी खुद ही कट की थी। तो ये वाला जो टैग जिसके ऊपर मैं 3D क्विलिंग शेप्स जो है वो पेस्ट कर रही थी, ये पेस्ट हो गई हैं, अब आप इनको देख सकते हैं। ये इस तरह हैं, देखें 3D शेप्स, और ऊपर से भी थोड़ी सी ये उठी हुई है। आप चाहें तो आप इसके ऊपर कोई बीड्स लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर कोई डायमोंडीज लगा सकते हैं, तो दे विल लुक वेरी प्रिटी, बहुत अच्छे लगेंगे इस तरह। साथ आप इसके कोई भी टेक्स्ट लिखें, कुछ भी लिखें, तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा सा टैग बन जाएगा। एक ये टैग है जो कि जिसके पीछे वाटर कलर का बैकग्राउंड दिया हुआ है, और फिर नॉर्मल पॉइंटर से इसको
ये वाले आपको मैंने बताए थे कि ये 3D में आपने किस तरह पेस्ट करनी है। एक ये है स्क्वेयर शेप्स, उससे आप प्रेजेंट्स की लुक दे सकते हैं, प्रेजेंट्स बना लें इस तरह, मल्टीपल प्रेजेंट्स एक दूसरे के ऊपर रख के मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। आप स्टार शेप्स बना के लगा सकते हैं, बर्थडे टैग्स हो गए, वेडिंग इनवाइट टैग्स हो गए। एक ये है सनफ्लावर, तो मुख्तलिफ टैग्स हैं, आप लोग टैग्स भी यूज़ करें। आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको किस पे देखना पसंद है, आप कार्ड्स देखना चाहते हैं, आप लोग जो है वो क्या चीज़ देखना चाहते हैं, एनवेलप्स देखना चाहते हैं, क्विलिंग के कार्ड्स देखना चाहते हैं, क्विलिंग के फ्रेम्स देखना चाहते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना के बताऊँगी कि किस तरह आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई DIY वीडियोज़, कोई कोई रेसिपी, कोई खाने की चीज़, कोई भी चीज़, आप लोग किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो जो आप लोग चाहें कि मैं आपकी हेल्प करूं उसमें और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहें आप लोग, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।